आते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट का मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया उद्घाटन। बागबेड़ा शिव घाट स्थित जर्जर गेट की मरम्मती की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने उपायुक्त को दी जानकारी, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। नेपाली सेवा समिति गोलमुरी के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने समाज सेवी श्री तरुण डे का किया भव्य स्वागत। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर सोनारी स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट का उद्घाटन आज किया गया। आज का उद्घाटन मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कर कमलों द्वारा किया गया। ब्रह्मानंद अस्पताल के संचालक ने बताया कि यह अस्पताल 70 बेड का है। वर्तमान में इसमें बच्चों के लिए चाइल्ड केयर यूनिट और ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में TMH के जैसा ही सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। आगे और भी सुधार और नई सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। आनंद है, खुशी है, उत्साह का माहौल है कि सोनारी के पब्लिक में कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो OT है, वो ऑपरेशन थिएटर शुरू हो जाएगा। ICU है, चाइल्ड केयर यूनिट है, क्रिटिकल केयर यूनिट है, डायलिसिस यूनिट है, इमरजेंसी 24/7 गैस्ट्रोलिट्रोलॉजी है, वैक्सीनेशन सेंटर है, फार्मेसी है, यही तमाम चीज आज से चालू हो जाएगी। मन में कोई भावना नहीं है, मन में हमेशा एक ही भावना रहता है, सेवा करो। जैसे कि आप लोगों को जानकारी नहीं है, मैं तो 10 रुपया वाला प्रसादम का भी सेवा देता हूँ, जो 10 रुपये में थाली जिसमें रोटी चावल मीठा दाल सब्जी तमाम चीज दिया जाता है 10 रुपये। बागबेड़ा शिव घाट स्थित जर्जर स्लोइस गेट की मरम्मती की मांग को लेकर बागबेड़ा वासियों ने उपायुक्त से भेंट की। बस्ती वासियों ने बरसात के दिनों में होने वाली स्थिति से अवगत कराते हुए उपायुक्त को जानकारी दी। पिछले 2 वर्षों से स्लोइस गेट का 90% फाटक बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हल्की बारिश में भी क्षेत्र के नाला और BNR का पानी के निकासित नहीं होने से जमाव के कारण तटीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि आसपास के लगभग 100 घरों में पानी प्रवेश कर जाता है। ऐसे में उन घरों की कीमती सामान भी बर्बाद हो जाते हैं, जिसे लेकर पूर्व जिला पार्षद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में उपायुक्त से भेंट कर स्लुइस गेट की मरम्मत कर फाटक खोलने की मांग की गई है। अन्यथा बस्ती वासियों ने मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होने की चेतावनी दी है। हमारा बागबेड़ा क्षेत्र में स्लुइस गेट है, जो पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है। उसका फाटक 90% गिरा हुआ है, जिसके कारण 1 घंटा भी यदि बारिश होता है तो पूरे हमारे बागबेड़ा का जो तटीय इलाका है वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही, जल जमाव हो जा रहा है। सैकड़ों लोगों के घरों में नाला का पानी घुस जा रहा है, जिससे लोग परेशान हो गए। आज हम लोग पूरे बस्ती वासियों के साथ उपायुक्त महोदय से आग्रह करने आए हैं कि जो हमारा स्लुइस गेट है उसकी मरम्मती कराया जाए, उसके फाटक को पूर्ण रूप से खोला जाए, ताकि वहाँ तेजाब नाला और BNR नाला का पानी नहीं जमे, लोगों को परेशानी नहीं हो। जमशेदपुर के समाज सेवी श्री तरुण डे ने नेपाली सेवा समिति गोलमुरी जमशेदपुर के पदाधिकारी एवं सदस्यों से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्यों के द्वारा उनका समिति कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें नेपाली परंपरागत ढाका टोपी अंग वस्त्र उनको पहनाया गया, जिससे वे काफी अभिभूत हुए। इसके बाद उन्होंने नेपाली सेवा समिति परिसर स्थित श्री श्री पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि समाज में कभी भी उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो वे जरूर आएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नेपाली समाज का हमेशा से देश की सुरक्षा में अहम योगदान रहा है। आज जमशेदपुर में नेपाली सेवा समिति के समाज जो है जमशेदपुर के माने गोलमुरी में यहाँ पर आए हैं। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ के चलना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ समाज में आए, हमको आकर ऐसा लगा कि आज हम काठमांडू में हैं। इतना भव्य मंदिर पर पारसनाथ जी का, पशुपति जी का, और हम लोग दर्शन किए, हमारा सौभाग्य मिला, सारे लोग से मिले, लोग भी बहुत ही मन फुर्तीला, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। इतना मैंने अभी तक जो समाज के इन्होंने विचार को एक साथ बचा कर रखे हैं, संस्कृति को बचा कर रखे हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सहयोग करके और समाज को और भी एकजुट बनाकर समाज के जो भी
कार्य विकास कार्य हो हाँ शिक्षित कार्य हो सब मिलकर हम लोग करेंगे। ईचागढ़ प्रखंड के मिलन चौक पर आज सुपाची का प्रखंड स्तरीय कार्यालय का केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो ने उद्घाटन किया। फूल क्रांति दिवस के अवसर पर यह कार्यालय खोला गया। आजसू के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरेलाल महतो ने ईचागढ़ प्रखंड के आजसू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हरेलाल महतो ने कहा कि जनता के आशीर्वाद और सहयोग से उन्हें शक्ति मिलती है, जिसकी बदौलत वह दिन रात जनता की सेवा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल तथा नीमडी प्रखंड में पहले से कार्यालय हैं, जहां से आम जनता को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। अब ईचागढ़ में भी प्रखंड स्तरीय कार्यालय खुल गया है, यहां से भी जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कुकड़ू प्रखंड कार्यालय भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्वर्गीय डोमन सिंह मुंडा जी ने 5 एकड़ भूमि दान की है, जहां इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है, लेकिन आज तक उस इंटरमीडिएट कॉलेज की 4 दीवारें भी नहीं बनी है। वही स्थिति सेबुंग कॉलेज चांडिल की है, जहां 4-5 कमरे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या 7,000 से अधिक है। हरेलाल महतो ने मिलन चौक में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन के बाद आज से ही ईचागढ़ प्रखंड की जनता के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा तथा निःशुल्क पेयजल आपूर्ति सेवा का शुभारम्भ किया। हरेलाल महतो ने आजसू प्रखंड अध्यक्ष गोपेश महतो के हाथों एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। हरेलाल महतो ने बताया कि चांडिल और नीमडी प्रखंड की तरह ही ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के माध्यम से जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस, पानी टैंकर, गरीबों को श्राद्ध कर्म व विवाह के लिए यथासंभव सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुकड़ू प्रखंड में भी कार्यालय खोला जाएगा, वहां पर भी एम्बुलेंस और पानी टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। तो उसी के लेके अभी हम लोग चारों ब्लॉक में हल्ला बोल कार्यक्रम रखे हैं कि जितना यहाँ का जो समस्या, हाथी का समस्या हो, चाहे डिग्री कॉलेज का समस्या हो, चाहे विस्थापन का समस्या हो, ये सब समस्या को लेकर अभी चारों ब्लॉक में, जिला में हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम, अभी सब जितना भी विभाग है, जो भी समस्या है उस सब में हम लोग, इससे पहले भी हम चांडिल रेंज ऑफिस में हाथी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, फिर अभी ये नहीं हो रहा, फिर हम लोग दोबारा फिर बिजली विभाग, आपका फॉरेस्ट ऑफिस, सब में धरना प्रदर्शन कर। ने प्राइड मार्च निकाला। यह प्राइड मार्च साक्षी गोल चक्कर से जुबली पार्क तक निकाला गया। इस प्राइड मार्च में झारखंड राज्य के अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा और बंगाल से भी किन्नर समुदाय के लोग आए थे। संजना किन्नर ने बताया कि जून का महीना प्राइड मार्च के रूप में मनाया जाता है, उसी को लेकर प्राइड मार्च भी निकाला गया है। उनका कहना है कि किन्नर समुदाय को भी अधिकार है कि सम्मान के साथ उन्हें नौकरी मिले। जो अधिकार अन्य नागरिकों को है, वह सारे अधिकार किन्नर समुदाय को मिलनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ जमशेदपुर के अध्यक्ष दिनेश शाह गोंड ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सजू राय, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मनोहरपुर के गुरुचरण नायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे उपस्थित हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथि महासचिव हरिकृष्ण नायक, मंच गांव से आए दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव जेपी गोंड उपस्थित हुए। राम सुभग प्रसाद उपस्थित रहे। मंच का संचालन साहिल अस्थाना ने किया। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। 24 जून 1564 को उनकी शहादत हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को पारंपरिक अंग वस्त्र देकर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ने संबोधित करते हुए पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि गोंड आदिवासी समाज का भवन जल्द बनकर तैयार होगा। गुरुचरण नायक ने रानी दुर्गावती के बलिदान को याद किया और गोंड समाज के जीवन के उत्थान के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह गोंड ने की। मंच संचालन साहिल अस्थाना ने किया। समाज की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का रानी दुर्गावती जी का 460वां शहादत दिवस हमने मनाया है।
कूलरगुड़ी गुरुद्वारा के सभागार में, जो हर साल हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं। इस साल भी हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। इसमें हम लोग स्थानीय माननीय विधायक वर्तमान जो है सरयू राय जी, उनको भी आमंत्रित किए थे, मुख्य अतिथि के रूप में वो आए और सभा को संबोधित किए। अपने संबोधन में हमारे गुरु समाज के जो भवन के लिए हम लोग उन्हें ज्ञापन दिया था, उनके भी कार्य के बारे में बताया कि कार्य पूरा हो गया, कुछ प्रोसेस बाकी है और इसके बाद में भवन का भी काम आपका हो जाएगा। इस बात को सुनकर समाज के सभी लोग बहुत ही उत्तेजित हुए, बहुत ही खुश हुए और सभी का मन में उत्साह बढ़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने रविवार को शाम एक संवाददाता सम्मेलन किया, जहां उन्होंने न्यूनतम मजदूरी का विषय उठाया। इसे झारखंड सरकार ने इस साल मार्च में लागू किया है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना 11 मार्च 2024 को जारी करने के साथ ही प्रदेश में उसको लागू कर दिया गया था। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात की है कि इस पर नजर रखनी चाहिए कि छोटे और बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियां इस नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन करें। जो नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए कि तुरंत हमारे मजदूर को नए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देना शुरू करें। उन्होंने कहा कि चैम्बर से भी बैठकर वार्ता करनी चाहिए। अगर मजदूरों का वेतन बढ़ेगा तो व्यापार उद्योगों में भी कुछ सरकार द्वारा छूट मिलनी चाहिए, जैसे टैक्स में हो या बिजली की दर में हो, ताकि वे लोग भी ईमानदारी पूर्वक काम कर सके। नहीं तो छोटे बड़े उद्योग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर अजय कुमार ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ाई तो हम जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता प्रत्याशी रहेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।